मोदी 26 फरवरी को देश भर में हजारों योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इस दौरान साउथ ईस्टर्न रेलवे को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत 397.6 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन पीएम करेंगे। इसके तहत 14 स्टेशनों को अमृत स्टेशन में बदला जाना है। इसके अलावा एक सबवे, एक रेल ओवर ब्रिज और एक लो हाइट सबवे के निर्माण कार्य की भी शुरुआत हो जाएगी। रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची डिवीजन के 26 लोकेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 554 स्टेशन है 554 और 1585 रोड ओवर ब्रिजेस या अंडरपासेस हैं, इनको मिला के टोटल ये लगभग 2100 से ज़्यादा लोकेशंस हैं, जहां पे साइमल्टेनियसली एक ही समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन सबका फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास रखा जाएगा। जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका डेडिकेशन या इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। तो ये विश्व का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा ऐसा एक फंक्शन होगा जहां साइमल्टेनियसली पैरेलली लगभग 2000 से ज़्यादा लोकेशनों का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा ये किया जाएगा कार्यक्रम, और ये विश्व रिकॉर्ड भी कायम होगा। तो जहाँ तक रांची मंडल का सवाल है, रांची मंडल में 26 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये सब अंडरपास या ओवरब्रिज या अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा। 26 लोकेशंस की लिस्ट आपको इस वार्तालाप के बाद दे दी जाएगी, लेकिन मैं आपको आपके सुविधा के लिए बता भी देता हूँ। जो हमारे इन 26 में से 14 अमृत स्टेशंस हैं, उसमें से 3 स्टेशन वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि रांची डिवीज़न जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में, कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल में भी आता है। तो 14 अमृत स्टेशन में से 3 वेस्ट बंगाल में है, बाकी 11 स्टेशन झारखंड में पड़ते हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं: लोहरडगा, बालसरिंग, गोविंदपुर रोड, बानो, ओरका, नामकुम, टाटी सिलवई, गंगा घाट, मूरी, सिल्ली, रामगढ़ कैंट। जी, तो ये 11 स्टेशन हो गए जहाँ पे ये इन सब 11 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, शिलान्यास रखा जाएगा, जिनको कि अमृत भारत स्टेशन के रूप में, अब इनको अमृत स्टेशन कहा जाता है, अमृत स्टेशन के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा। जो 3 स्टेशन पश्चिमी बंगाल में हैं उनके नाम हैं झालिदा, सुइसा और तुलिन। तो ये 3 स्टेशन जो हमारे रांची डिवीजन में पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में, ये भी अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किए जाएंगे। तो ये तो हो गए 14 अमृत स्टेशन। 12 लोकेशन हैं जहाँ पे या तो रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास बन रहे हैं, उनकी लोकेशन भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ जानकारी के लिए। एक तो RT44 है रांची टोरी सेक्शन में, जो कि बन चुका है, इसका डेडिकेशन होगा, ये लोहरदगा के नज़दीक में है। दूसरा है RT13, ये इटकी के पास एक अंडरपास बना हुआ था, उसका एक सेकंड वेंट बन रहा है, वो एक इटकी के पास अंडरपास है। 2 अंडरपास अरगोरा स्टेशन के पास में हैं, जो कि RT1 और MH32 कहलाते हैं, जस्ट रांची के बगल में है। एक अंडरपास है हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में, जिसको HB8 बोलते हैं, HB8 लोदमा वाला है। उसके बाद HB44 है, ये भी हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में है, ये महाबुआंग वाला है जी। और एक HB50 है, ये हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में ओरका स्टेशन के जस्ट पास में है, ओरका वाला। इसके अलावा एक मूरी हटिया सेक्शन में एक ट्रेसपासिंग लोकेशन का, जो नामकुम के पास में है, अंडरपास नामकुम स्टेशन के जस्ट पास में है, वो बनेगा। उसके बाद एक वेस्ट बंगाल में तोरांग के पास आरओबी बनेगा, जस्ट तोरांग स्टेशन के बगल में, उसका भी फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। एक चांडिल मूरी सेक्शन में एक CM24 करके है, यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग के बदले में ये अंडरपास बनेगा। उसके बाद हटिया बालसरिंग सेक्शन में जो HP1 रोड ओवर ब्रिज है, जो कि शायद HEC गेट के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट भवन के पास में, काफ़ी देर से डिमांड थी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन ले होगा। हालांकि इसकी कंस्ट्रक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, लेकिन इसका वो इनॉग्रेशन आज होगा। उसके अलावा एक HB34 है, ये
बकसपुर स्टेशन के पास में एक हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में अंडरपास बनेगा। और आखिरी है एक बिजुलिया करके रोड ओवरब्रिज है, ये रामगढ़ स्टेशन से जस्ट लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका भी डेडिकेशन होगा। ये बन चुका है, इसका डेडिकेशन होगा। तो जो मैंने आपको अभी बताया 14 अमृत स्टेशंस और 12 लोकेशनें ऐसी हैं जो कि रोड ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास इनका इनॉग्रेशन होगा या फाउंडेशन स्टोन होगा। तो ये सब जो परियोजनाएं हैं लगभग 26, इसमें लगभग 400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इसका टोटल करके आपको जो आपको हैंडआउट देंगे उसमें इसका टोटल भी, हम एग्जैक्ट टोटल भी करके दिया जा सकता है, हर प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट है और क्या उसका हो रहा है फाउंडेशन या डेडिकेशन, ये लिस्ट में रहेगा। और इन 26 लोकेशनों को जो हम फंक्शन कर रहे हैं 26 तारीख को सुबह, तो इसमें 24 हम फंक्शन कर रहे हैं क्योंकि दो लोकेशन इतनी अगल बगल में हैं कि उनको हम क्लब कर रहे हैं। तो ये 24 लोकेशनों पे रांची डिवीज़न द्वारा फंक्शन इनॉग्रल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसमें ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 12:30 बजे पूरे भारत रेलवे में जितने भी लोकेशन है, जो 554 प्लस 1585 लोकेशनों का साइमल्टेनियस VC के माध्यम से इनॉग्रेशन करेंगे।